हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज़ी स्टिचिंग एंड पेंटिंग। अभी आप देखने वाले हैं एक रेड हिबिस्कस पेंटिंग। वैसे तो मैंने पहले भी हिबिस्कस फ्लावर्स अपलोड किया है, लाइक पिंक हिबिस्कस एंड येलो हिबिस्कस। तो आइए आज एक और कलर बनाते हैं, बट सारे कलर का मेथड थोड़ा अलग होता है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस, पहले हमें लीफ बना लेना है। तो लीफ में मैंने पहले सैप ग्रीन कलर यूज़ किया है लीफ को पहले फील करने के लिए। तो अब ये फील हो चुका है, तो अब मैं इसके बीच में ब्लैक लाइनिंग दे रही हूँ और फिर उसमें शेडिंग डालूँगी। ये शेडिंग हो गया और अब हम बीच से वाइट डाल दिए हैं। अब फिर उसमें भी शेडिंग करेंगे। और ये वाला पेंटिंग मेरी स्टूडेंट का है, तो मैंने एक लीफ उसे बता दिया, अब वो सारा खुद से बनाएगी। तो अब हमारा ये लीफ हो चुका है रेडी। और अब हम आते हैं फ्लावर पे। तो हम पहले फ्लावर को बनाने के लिए इसके पेटल में रेड कलर फील कर देंगे। अब ये फील हो चुका है, अब हम डार्क ब्राउन से पहले बीच में लाइनिंग डाल देंगे। उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा शेडिंग भी डालना है। तो हम इसी तरह से सारे पेटल को रेडी कर लेते हैं।
अब हम इसके ऊपर से ऑरेंज कलर डालेंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब आते हैं हम हिबिस्कस के एंथर पे। एंथर बनाने के लिए मैंने वाइट और ऑरेंज को मिक्स करके कलर बनाया है और फिर उससे मैंने एंथर बनाया। और मैंने वाइट, येलो और ऑरेंज कलर यूज किया है एंथर पे डॉट डॉट डालने के लिए। तो अब आते हैं बर्ड्स पे। मैंने बर्ड्स बनाने के लिए बस रेड कलर से फिल कर दिया है और फिर उसके नीचे ग्रीन ग्रीन लीफ बना दिया है। ये वाला लीफ मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से बनाया, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। इसको भी देख लें, इससे भी आपको हिंट्स मिल सकते हैं। तो अब ये हमारा फ्लावर हो चुका है रेडी। तो आपने मेरे इस फ्लावर को कितना लाइक किया कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन सब्सक्राइब नाउ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।